बूढ़ा केदार इसका नाम इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर पांडवों को द्वापर में भगवान ने बूढ़े रूप में दर्शन दिए। ये तो हमारे छोटे छोटे हैं, इतने मोटे होते। कितने ज्यादा चला नहीं जाता है जब कच्चे रहते हैं। तो ये पंडित जी, ये शायद एकमात्र ऐसा शिवलिंग होगा पूरे विश्व में जिस पर कि इस तरह से पांडव और विश्व के अंदर शिवलिंग। नमस्कार, बारहमासा में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आपको लेकर चल रहे हैं एक और विलेज टूर में। ये विलेज जो है, इस गांव का नाम है थाती और ये टिहरी जिले के घनसाली ब्लॉक के बालगंगा तहसील का एक गांव है। ये गांव क्यों मशहूर है वो इस प्रोग्राम में आप आगे बहुत डिटेल में जानेंगे। बूढ़ा केदार के नाम से, बल्कि इस गांव को इसके मूल नाम जो कि थाती है उससे ज़्यादा लोग इसको बूढ़ा केदार के नाम से जानते हैं। और हम बहुत लकी हैं कि आज हमारे साथ ये विलेज टूर करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट महिपाल नेगी जी हमारे साथ हैं। नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और नेगी जी का हमारे साथ होना आप सब ऑडियंस के लिए भी बहुत फॉर्चुनेट है, क्योंकि वो एक तरह से इस क्षेत्र के एनसाइक्लोपीडिया हैं। वो यहाँ की राजनीतिक इतिहास से लेकर के, यहाँ के सामाजिक इतिहास से लेकर के, यहाँ के लोक संगीत से लेकर के, कथाओं से लेकर के, सारी चीज़ों पर एक अथॉरिटी रखते हैं। तो उनसे इस विलेज के साथ साथ आज इस गांव और ख़ास करके इस मंदिर के साथ साथ आपको इसकी यात्रा पर लेकर चल रहे हैं। निकी जी, सबसे पहले बूढ़ा केदार के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारियां बताइएगा कि क्यों बूढ़ा केदार की क्या मान्यता है और क्यों चर्चित है ये मंदिर। हाँ, थोड़ी सी मैं और ये बताता हूँ। इसकी जो यहाँ पर लोकेशन है, ये यहाँ पर दो नदियाँ हैं हमारे दोनों तरफ जी, बालगंगा जी और धर्मगंगा। यहाँ पर एक संगम है जिसको धर्मप्रयाग भी कहते हैं। तो दो नदियों के बीच में ये वाला हिस्सा है। जैसा आप नाम से कर रहे हैं बूढ़ा केदारनाथ, यानी ये शिव का प्राचीन मंदिर, इसलिए इसको सबसे बूढ़ा कहा गया। और इसमें थोड़ा अलग, इसलिए शिव के तो पूरी शिव की भूमि है, पहाड़ शिव की भूमि है, केदार खंड शिव की भूमि है, गढ़वाल। ये थोड़ा सा अलग इसलिए है कि इसमें एक और खास कथा जुड़ती है पांडवों की जी। वो उतनी व्यापक रूप से दूसरी जगह नहीं है, वो केदारनाथ से भी जुड़ी हुई है। यहाँ के अभी पुजारी वगैरह लोग भी मिलेंगे। और दूसरा है कि नाथ संप्रदाय का भी यहाँ से कुछ संयोजन हुआ, तो दो और धाराएं जुड़ करके आती हैं। आदि शिव तो है ही, आदि शिव के साथ एक नाथ संप्रदाय भी आता है और पांडव भी जो लोक कथाओं में हैं वो भी इस मंदिर से जुड़ते हैं, जो दूसरी जगह दुर्लभ है। तो ये नया खास यहाँ पर खास है। और इस बारे में अभी हम मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जो नाथ संप्रदाय के बारे में जो आपने सुना, ये वही नाथ संप्रदाय है जिससे उत्तराखंड के चर्चित व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस संप्रदाय से हैं, वो वही नाथ संप्रदाय है। हम मंदिर में प्रांगण के अंदर जा रहे हैं, तो रोहित तुम भी जूते उतार लो। ये मंदिर के प्रांगण में हम लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं और बड़ा प्राचीन इसकी मान्यता के बारे में जो बताया। हाँ, हम जिक्र कर रहे थे कि ये वही नाथ संप्रदाय है जिसमें योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, अमूमन जो उनके संत होते हैं कान उनके छिदे होते हैं। और उसकी परंपरा की शुरुआत लगभग आप 10वीं सदी के आसपास से शुरू मानी जाती है नाथ संप्रदाय की शुरुआत। हाँ, वो संप्रदाय का जब यहाँ प्रभुत्व बढ़ा होगा तो जो उससे भी पहले की परंपराएं थी उससे उनका कोऑर्डिनेशन हुआ, संघर्ष भी हुआ होगा, लेकिन अंत में जाकर के जो संयोजन हुआ है उसके कारण यहाँ मंदिरों में दूसरी एक चीज़ है कि सिर्फ शास्त्रीय परंपरा पर नहीं रहे, जो दूसरी धाराएं आती रही जी, जैसे नाथ का मैंने कहा, फिर पांडवों वाला, उनको भी मान्यता मिलती रही, उनको भी स्वीकार किया गया। और जिस सीमा तक स्वीकार किया गया, तो जो आप कह रहे हैं 10वीं शताब्दी, वो तो नाथ संप्रदाय का हुआ है, लेकिन मंदिर और उसकी परंपरा, क्योंकि शिव तो तब से हैं यहाँ, जब से
बहुत पहले से, मतलब वो हम ये नहीं कह सकते हैं तो अनादि है। तो मंदिर और उस परंपरा तो पहले से रही होगी, एक समय में एक काल में वो नाथ संप्रदाय भी उससे जुड़ गया। उसके बाद जैसे अभी पुजारी लोगों से आप लोग मिलेंगे तो यहाँ के पुजारी भी आप उस संप्रदाय से बात करेंगे। और जैसा कि निगी सर ने बताया कि एक तो बूढ़ा केदार इसलिए कहा जाता है कि बिल्कुल प्राचीन दौर से यहाँ पर ये मंदिर स्थित है, इसलिए बूढ़ा केदार कहा जाता है। कुछ जगह हम लोगों को ये भी ऐसी भी व्याख्या कुछ जगह देखने को मिलती है, पुजारी जी से अभी उस बारे में और हम कंफर्मेशन लेंगे। कई लोगों का ये कहना है कि पांडवों का जैसे जिक्र आता है तो अमूमन जैसे पुराणों में तो हमको ये मिलता है कि शिव ने उनको दर्शन दिए ही नहीं थे यहाँ, लेकिन कुछ जगह हमने ऐसा हल्का फुल्का रेफरेंस देखा कि एक बूढ़े के रूप में शिव ने दर्शन दिए और इसलिए ये बूढ़ा केदार कहलाया। पुजारी जी से अभी इस पर और बात करते हैं, लेकिन हमें जो पुराणों में मिलता है इनका पांडवों का यहाँ पहुंचने का जिक्र, उसमें मोटा मोटा ये मिलता है कि क्योंकि परिवार और हत्या के यही व्याख्या, मतलब इसी उससे उन्होंने दर्शन देने से मना कर दिया था। ये आप जब अभी अंदर मूर्ति देखेंगे तो उस पर रिफ्लेक्ट भी होगा, नाथ संप्रदाय का असर और पांडवों के आगमन का असर भी। वो आप मूर्ति जब वो देखेंगे तो उसको देख लीजिए, वो अलग विशिष्ट है, वो बाकी शिवलिंग से भिन्न है यहाँ का जी। उसका जब रूप रंग आप देखेंगे तो वो अलग दिखे, वो भी डेवलप हुआ है। वो लिंग भी अलग अलग काल में जो परंपराएं आई वो सिर्फ वैसे नहीं, वो लिंग में रिफ्लेक्ट भी होती है, वो भी देखेंगे। तो हमारे साथ बूढ़ा केदार मंदिर के जो रावल हैं योगी अमरनाथ जी हमारे साथ हैं। योगी जी, इस मंदिर के सबसे पहले इसके पौराणिक महत्व के बारे में बताइए, बूढ़ा केदार क्यों कहा जाता है इसको और लगभग कितना पुराना इतिहास है बूढ़ा केदार मंदिर का? महाराज जी, बूढ़ा केदार इसका नाम इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर पांडवों को द्वापर में भगवान ने बूढ़े रूप में दर्शन दिए थे, वृद्ध रूप में। और कारण ये है कि पांडव क्यों आए थे, ये प्रायश्चित के लिए आए थे जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था महाभारत। तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान ने जो है इनको, पांडवों को जो है, वेद व्यास जी के पास भेजा कि युधिष्ठिर अब ऐसा करो, तुम वेद व्यास जी के पास जाओ, वेद व्यास जी के पास, और उनसे परामर्श करो कि अब क्या करना चाहिए। क्यों? कि इनकी गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या लग गई थी इनको, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण लोग भी मारे, अपने गुरु लोग भी और परिवार के लोग भी थे जी। तो इनको जो है ये पाप लग गया था, गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। अच्छा। तो जब वेद व्यास जी के पास पहुंचे तो वेद व्यास जी ने इनको परामर्श इनको ये दिया कि युधिष्ठिर अब तुम जो है शंकर जी के पास जाओ, मृत्युंजय महादेव हैं आशुतोष, अब वो सुन सकते तुम्हारी सारी इस समस्या का समाधान हो सकते। तो ये कहते हैं कि किधर जाएं हम? देखो ऐसा है कि कैलाश तो चारों तरफ, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, 75% तो जल है और 25% ये धरती है सारी, जितनी भी देश विदेश में ऐसा बताते हैं, है ना मतलब। तो बोला कौन सी दिशा, किधर है शंकर, कौन से कैलाश में जाए हम? तो वेद व्यास ने बताया था उत्तरी भाग, ये उत्तर दिशा में आ गए सारे तीर्थ, उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा धर्मप्रयाग, धर्मप्रयाग हो गया, ये धर्मगंगा और बालगंगा का संगम हो गया। अच्छा। इसका नाम है पहले से ही धर्मप्रयाग जी। यहाँ पर 5 पर्वत है, सिद्धपीठ ज्वालामुखी है, ऊपर मंदिर भी है वहाँ, और ये महापीठ, इधर विष्णु जी का वास है, तालाब है, महात्मा लोग बैठते हैं। अच्छा। ये स्वर्गरोहिणी आ गई, यहाँ से पांडव चढ़ गए, ये स्वर्गरोहिणी, इसकी स्वर्गरोहिणी। अब ये सतोपत आ गया उधर, अच्छा, ये सामने बर्फ पड़ी है जी, ये सतोपत आ गया, ये केदारनाथ बद्रीनाथ है सतोपत, ये उत्तरारोहणी है, इसका नाम भृगपंत पहाड़ भी कहते हैं, अप्सरा गिरी भी कहते हैं इसको। तो भृगपंत पहाड़ इसका नाम जो है ये क्या नाम, उर्फ नाम। अच्छा। क्यों है कि भृग ऋषि जी ने तपस्या की थी इस पर, ऐसा हम सुनते आए हैं कि भृग ऋषि जी ने तपस्या की थी, ठीक है। अब ये तो दो नदी का संगम हो गया आगे, धर्मगंगा और बालगंगा, ये बाल कले ऋषि की तपस्या से, ये धर्म ऋषि की तपस्या से, तो दोनों का संगम हो गया, तो ये हो गया धर्मप्रयाग। आगे जाके लोक विकास भारतीय संस्था है, तो ऊपर से एक मेंढक नदी आ रही है, तो उसका रोड जाती है ना, मेंढक नदी, तो ये मेंढक ऋषि की तपस्या से है।
अच्छा। तो वहां पर हो गया त्रिवेणी, उसको कहते हैं त्रिवेणी, त्रिवेणी भी कहते हैं इसको, तीन नदियों का संगम हो गया, त्रिवेणी हो गया। और ये जो लोक विकास भारती के पास जो मंदिर है, ये शिवगढ़ है, ये तो इस मंदिर का इतिहास भी थोड़ा सा द्वापर सक जाता। हाँ, तो क्या है कि यहाँ पर तो भगवान तो सतयुग से बात कर रहे हैं, अच्छा, लेकिन पांडव द्वापर में आए, पराशित के लिए आए भगवान के पास। इनको वेद व्यास ने पराशित के भेजा कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ शंकर जी जो है प्रसन्न होंगे और तुम्हारी जरूर सुनेंगे। तो यहाँ पर भगवान जब पांडव आए तो भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए वृद्ध रूप में, और दर्शन दे के भगवान अदृश्य हो गए। अच्छा, अब इनको संशय हो गया कि भगवान कहाँ चले गए, क्या होगा, शिलरूप हो गए ना मूर्तिकार भी। तो धर्मराज जी समझ गए भगवान दर्शन दिए गए, लेकिन अब यहाँ से निकल गया सतोपंत। अब इन्होंने पीछा किया भगवान का, जब पीछा किया तो भगवान ने वहां जो है भैंसों का रूप ले लिया केदारनाथ में, भैंसों का माया रूपी भैंसी भैंस नजर आई इनको। तो धर्मराज जी कहते हैं कि पांडव आगे मत बढ़ो, इन्हीं में शंकर जी हैं, इन भैंसों में शंकर जी हैं, और पहचान सकते हो तो पहचानो इनमें कौन है शंकर जी, लेकिन असंभव। तो भीम ने वहां टांग लगाई सिद्धपीठ महापीठ पर, जब टांग लगाई तो भीम की टांगे नीचे हकाई इन्होंने भैंसों को। अच्छा, ऐसा सुनते हैं इतिहास में 12 साल तक इन्होंने भैंस आ गई। अच्छा, 12 साल लग गए। तो उसके बाद आखिरी में भगवान लास्ट में जो है एक भैंसा रूप में रह गए, झूठा झूठा समझ गए। तो वहाँ दलदल हो गया, तो दलदल हो गया, तो भगवान ने अपना सिर छिपा दिया वहाँ। अच्छा, सिर दलदल में। तो इतने में पांडव में खलबली मच गई, तो भीम ने पूछ पकड़ ली। तो फिर आकाशवाणी हुई कि पांडव मुझे मत सताओ, यहाँ पर पृष्ठभाग के दर्शन करो, पृष्ठभाग है वहाँ पीठ है, सिर का ढूंढ नहीं करना। सिर काठमांडू नेपाल निकल गया वहाँ से, वहाँ का नाम आज से प्रसिद्ध पशुपतिनाथ होगा, और पशुपतिनाथ से जाना मंदिर बनाओ, केदारनाथ नाम होगा, केदार अर्थात दलदल, नाथ बने स्वामी, बोलो केदारनाथ भगवान की, वो पशुपतिनाथ हो गया, बोलो पशुपतिनाथ भगवान की। और पांडवों वृद्ध रूप, ये बूढ़े रूप में दर्शन दिए ना, वृद्ध केदार हमेशा नाम, बाल किले समस्त नाम, धर्म गंगा बाल गंगा निकटे, भूमि स्पर्श मातृणम गोत्र हत्या मुच्यते, शिला स्पर्श मातृणम संसेना भविष्य, तुम्हारे तो पाप वहाँ समाप्त हो गए जहाँ मैंने तुमको बूढ़े रूप में दर्शन दिए, जहाँ तुम धर्म गंगा बाल गंगा के बीच में पहुंचे वहाँ तुम्हारे पाप हो। तो वहाँ से वो जो है सतोपन निकल गए वो आगे, अच्छा अलकनंदा से, वहाँ से जो है ना मतलब सरस्वती नदी से तो स्वर्ग रोड के चले गए वो। तो वहाँ धर्मराज जी को जो है और भैरव को बैकुंठ हुआ, अच्छा, और बाकी पांडव गल गए थे, इनको मोक्ष हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये समाधि है। अच्छा हाँ, एक बार ये भी हमको एक बार आप आइएगा, तो ये सब जो है ये संतों की समाधियाँ हैं, ये हमारे पुजारी लोगों की समाधि है, जो हम लोग यहाँ पुजारी रह चुके हैं, और यहाँ पे नाथ संप्रदाय के लोग ही इसके पुजारी होते हैं। यहाँ सतनाथ की गद्दी है, सत्यनाथ की, अच्छा सतनाथ की गद्दी है, गोरखनाथ जी। थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए, जो लोग नाथ संप्रदाय को जैसे बहुत परिचित नहीं है जी महाराज, तो क्या नाथ संप्रदाय का इतिहास कहाँ तक है, और जो ये हम मठ देखते हैं योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसी नाथ संप्रदाय से आते हैं, क्या इसका इतिहास है थोड़ा सा? देखो महाराज, ऐसा है कि अब लंबा चौड़ा हम तो ये है कि नहीं है समझ, तो हमारे सामने तो हम नहीं है अभी जी, लेकिन पुराने लोग जो है जैसे ये सती समाधि है जी, जो सती प्रथा थी, अच्छा पति को गोद में लेके सती हो गई थी, अच्छा सती समाधि है, अच्छा ये तो हमने सुरक्षित रखी नहीं है जी, आज की दुनिया कौन समझते इन चीजों को, ये तो इनको तो समाप्त करने के चक्कर में है कि इसको मैदान बनाओ, अच्छा। समाधि चाहिए नहीं उनको, चाहिए नहीं, ये सती समाधि है, ये वाली जो है ये सती समाधि, ये पति को गोद में लेके जो है सती हो गए थे, अच्छा हाँ जी। इसका नाम है श्रीनगर वाली समाधि कहते हैं, देखो उसकी बनावट भी नीचे से देखो, हाँ। पत्थर भी श्रीनगर का है, वो श्रीनगर से जो है पत्थर भी लाए थे उस जमाने में लोगों ने पीठ में पैदल, और डेड बॉडी बनाकर यहाँ समाधि लगी थी, देखो श्रीनगर का पत्थर है वो काला, अच्छा आगे आपको समझ में। तो ये पुजारी लोगों की है, जब यहाँ शरीर पूरा होता है पद्मासन लगा के उनको जो है समाधि दी जाती है, हिंदू धर्म के हिसाब से थोड़ा हवन होता है उसमें, फिर उसमें तो मतलब जो यहाँ संतों फिर उसमें चीनी वो नहीं किया जाता, मिट्टी ना, उनका अंतिम संस्कार वैसे नहीं किया अंतिम जाता। संस्कार ये होता है ना, मतलब ऐसे जैसे, होता, जैसे, उनको जलाया नहीं जाता, नहीं नहीं उनको जैसे मिट्टी चीनी नमक ऐसा जो ऐसा डालते हैं उसको पूरा कर देते हैं उसके ऊपर से, फिर ऊपर एक शिला लग जाती है, फिर वही तेरहवीं जैसे चलती है हम लोगों की संसार की वो चलता है, फिर बाद में तो समाधि बनती है, फिर उसको हमेशा दीपक लगते हैं इनमें, अच्छा हमेशा इनमें दीपक लगते हैं। तो इसमें जो सबसे नई होगी वो लगभग कितनी पुरानी होगी इनमें? अब ये समझ लो कि सबसे नई जो है जी ये
ये नहीं है। अब जो मतलब जैसा मतलब ये समझ लो ये, अच्छा। ये है करीब 50-60 साल पुरानी है। अच्छा ये 50-60 साल पुरानी है ये वाली। अच्छा हाँ, उससे पहले ये है, फिर ये तो और भी पुरानी है जी। वो और पुरानी है, वो तो सती समाधि है। सती तो सती प्रथा 5000 साल पहले थी, सती प्रथा तब तो रुक गई थी, बैंड लग गया था ना। सती ओड़ी को तो अभी भी थे बथेरे, लेकिन वो बैंड लग गया था ना बैंड। तो ये अंग्रेजों के हाँ, तो अच्छा ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री तो हमारे सामने लगी है। अच्छा आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? टूटा हुआ था। आपको कितने साल हो गए यहाँ जब ये बाउंड्री लगी ना? बड़े बड़े पत्थर निकले यहाँ समाधि के। अच्छा ना, किस जमाने से समाधि लग रही है? आपको कितने साल हो गए यहाँ? हमारा जन्म ही यहीं का है। अच्छा, बूढ़ा केदार गाँव। हाँ जी जी जी। तो इसी गांव के लोग ही यहाँ रावल नियुक्त होते हैं? गुरुजी के दादा गुरु की है, परदादा गुरु की है, सबकी समाधि लगती है। तो ये गांव का नाम थाती हुआ वैसे? बूढ़ा केदार, थाती कठोर बूढ़ा केदार। अच्छा, और इसमें नाथ संप्रदाय के लोग, आपका जैसे चुनाव होता है कि कौन अगला रावल होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो प्रेरणा वो अंदर वाल देता है। अच्छा, वो अपने आप, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं कि इस लाइन में आना है। आध्यात्मिक से अपने आप लाइन पे लगेगा। आपको कितने साल रावल हुए? कितने साल हुए? अभी हो गए होंगे करीब, मेरा आइडेंटिटी कार्ड बताता आपको। अच्छा, ये समझ लो कि वैसे तो 15-16 साल से तो हम ये बलि प्रथा रोकने लगे। अच्छा, यहाँ पे बलि भी होती थी? होती थी पहले बहुत। कैसे? मतलब बकरी की होती थी? बकरी बड़े नवरात्र में ये बागी वगी लेना देना नहीं होता था, बागी वगैरह इधर पीछे वो चक्र था, यहाँ भी होता था। बहुत कठिनाई होती थी। अच्छा, तो ये सब लोग 15-16 साल की उम्र से हमने जो है उसका संघर्ष किया। अच्छा, इन लोगों के साथ में, सबके साथ में जी। वो झूठे के गर्दन पकड़े, हमने कहा मत मारो भाई, क्यों जी। तो हमको धक्का मार के लोग हटा देते थे, और ये लोग भी जानते हैं जी। और फिर उसके बाद तो भाई देखो, भगवान ने सुन ली जी। तो जो देवी देवता भी थे यहाँ के बलि लेने वाले, उन्होंने भी मान लिया, तो बंद हो गया। अब कोई चोरी छिपके करता है अब उसके तो भगवान जाने ऊपर वाला। लेकिन ये जो आपके कान में जो ये है, ये नाथ संप्रदाय में ये नाथ संप्रदाय जरूरी होता है? जरूरी है। अच्छा, ये मोहर है हमारी जी, ये हमारी जो है हाँ। ये मोहर है, ये मोहर लगती है हमारी, ठीक है हाँ। ये ऐसे है, ये तो गोरखनाथ जी ने इसलिए दिए थे ना जी, अपने शिष्यों को जी, कि कलयुग में तो फिर एक आप नाराज नहीं होना, कलयुग में तो फिर तब एक सभी बोलेंगे मेरे भी कुंडल है। तो जगह ये ऐसी है ना देखो। अच्छा, जो के मतलब हाँ। ये तो हमारे छोटे छोटे हैं हाँ। इतने मोटे होटे। अच्छा, और ये कितने योग दंड दिया था, चला नहीं जाता है जब कच्चे रहते हैं। आपकी उम्र कितनी थी जब ये हो गया था? ये तो मैंने जो है मतलब ये समझ लो मेरी उस समय उम्र थी 30-32 साल की। 30-32 साल की। 30-32 साल की। अच्छा, एक बार आप थोड़ा हमें मंदिर के जो शिवलिंग है उसके बारे में बताइएगा। जी पंडित जी, थोड़ा सा अब इसकी विशेषता के बारे में भी बताइए जी। ये बाबा बुद्धा के, अरे भाई एक बात है जी, पहले करो। ये है बाबा बुद्धा के, देखो ये तो शेषनाग है। अच्छा, ये देखो ये शेषनाग है हाँ। देख रहे हैं आप जी, ये जटा है जी। यहाँ से गंगा जी है, देख रहे हैं आप गंगा जी जी, ये गंगा जी है। ये खप्पर है आपने, अक्षय पात्र जी, त्रिशूल है, झोली है बगल में, कान में कुंडल जी। ये तो है बुड्ढा केदार बाबा जी, मतलब ये लिंगाकार शिव है, ये लिंगाकार जी है जी। अच्छा, गणेश जी आओ इधर आओ हाँ, इस तरफ आओ। ये चार धाम के चार चरण। अच्छा, बद्री केदार, ये कपिल भैरव गुरु कैला पीर। अच्छा, ये लिखा है ना, ये गुरु कैला पीर। आगे चलो, आगे चलो, ये त्रिशूल देखो एक बार। अच्छा, त्रिशूल है, माता पार्वती है सामने। अच्छा,
वो लिखा भी वहाँ पार्वती मैया। द्रौपदी जो है ये घोड़ी पे हैं। अच्छा, इनके ऊपर नंदी बैल है। नंदी तो अलग से है ना जी। हाँ, ये जो मुख इधर दिख रहा है, ये नंदी है। अच्छा, ये इलिस्टर धर्मराज आ रहे हैं ऊपर। अच्छा, और ये स्वान आ रहे हैं। यहाँ स्वान लिखा है स्वान जी। स्वामी ये स्वान जी। अच्छा, सहदेव, अर्जुन और भीम। अरे वाह, तो ये पंडित जी, ये शायद एकमात्र ऐसा शिवलिंग होगा पूरे विश्व में जिस पर कि इस तरह से पांडव और विश्व के अंदर आश्चर्यजनक शिवलिंग जी, विश्व के अंदर बुड्ढा के था। और इधर से ये विश्व के अंदर आश्चर्यजनक शिवलिंग है बुड्ढा केदार बाबा। और इसकी एक तो यही रूप में भगवान ने पांडवों को दर्शन दिए थे। अच्छा, और उनके पाप समाप्त हुए जी, तो सबके ही पाप समाप्त होते जी। कोई भी भोले ना थे ना आशुतोष, वो किसी भी निराश नहीं भेजते, सबके मनोकामना पूर्ण करते हैं बाबा। मज्जे शिवल कर नहीं करेगा वैसे फल देंगे भगवान। और ये सबसे बड़ा शिवलिंग भी है, बड़ा भी है, पूरी परिक्रमा है। अच्छा, ये जो है स्वयंभू है, नेचुरल हिमालय का जो केदार है, हिमालय तो केदारम घुसमें समझा शिवालय एता ने ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंगा ने सायम प्राता पढ़े न रहा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरण दिनस्ती, सात जन्म के पाप तो वैसे समाप्त होते हैं कोई स्मरण करे तो शाम से, है ना। मतलब देखो बूढ़े रूप में दर्शन दिया, वृद्ध रूप, केदार दलदल, दोनों तरफ नदी है दलदल, और नाथ बने स्वामी। बोलो बूढ़ा केदार बाबा की, तो ये है बूढ़ा केदार नाथ, और नाथ बने स्वामी, बूढ़ा बने वृद्ध। यहाँ पे ये जो ये तो पुराना स्ट्रक्चर है ना, बाकी तो नया ये तो बना दिया गया है। सुनो जी, ये इतने मोटे मोटे थे ये। अच्छा, हाँ जी, ऐसे मोटे मोटे थे, लेकिन इनको तो काट काट के जो ऐसे बना दिए, मतलब। अच्छा, ठीक है, पौराणिक चीज नहीं रही ये, तो पौराणिक नहीं रह गया, नया हिसाब। छत्र भी ये बस ये वाला, ये पुराना, ये पुराना, पहले बल कोई कहते थे कि चांदी का था, वो किसी ने उठा लिया था तो फिर अष्टधातु का है। अच्छा, वो ही लाया। अच्छा, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, ठीक है जी। ये बात है, अब ये पत्थरों का बन रहा है, पहले भी पत्थर मिट्टी का था नहीं है जी। पत्थर मिट्टी। अच्छा, और स्लेट थी इसके ऊपर, स्लेट, हाँ, पठाल जो होती है, पठाल जी, तो वो थी। तो इस प्रकार से जो है ये, अच्छा, पत्थर का बन रहा है। अब ये राजस्थान में बन रहा है, बन गया। अच्छा, बिल्कुल बन के आ रहा है, बन के आएगा बिल्कुल ऊपर, लकड़ी हट जाएगी। ये है बूढ़ा केदार, यहाँ से कोई निराश नहीं जाता भाई जी। आशुतोष है, मृत्युंजय महादेव है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि साकार निराकार दोनों है ना। एक साकार निराकार का मतलब ये होता है कि एक तुरंत सुनता है, हाँ। एक थोड़ा देर में, फर्क इतना है, हाँ। साकार ये हम लोग सब आपस में साकार ही तो है, हाँ। एक दूसरे की सेवा करो तो आशीर्वाद मिलता है तुरंत, जीव की सेवा करो तो जीव आशीर्वाद देता है ना। मतलब एक मूर्ति हो गई, एक साक्षात हो गई। बोल शंकर भगवान की जय। आपका आपका कौन सा चैनल है आपका? हमारा चैनल है बारामासा। बारामासा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे बुड्ढा केदार बाबा पूरे तीर्थों का और धर्म का प्रचार करें। तो इस प्रकार से है, बहुत 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 शुक्रिया बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था बूढ़ा केदार मंदिर, इसका इतिहास आपने जाना होगा, इससे जुड़ी जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनके बारे में पंडित जी ने विस्तार से बताया। गांव पर हम बहुत अधिक चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि वो समय सीमा का वो है, लेकिन यहाँ इस विश्वास के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि अभी बूढ़ा केदार में एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ बाकी रह गया है। जैसा कि यहाँ पे एक जो आप जिक्र कर रहे थे, एक क्या कैलापीर, वो एक हल्का सा अगर उसका कुछ जिक्र करें कि क्या मान्यताएं हैं, कैसे। देखिए, बूढ़ा केदार तो ये तो आपने जो वो देख लिया कि ये तो शिव का प्राचीन और आदि धाम है। कैलापीर भी नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, और ये माना जाता है कि बाहर से देवताओं का भी माइग्रेशन हुआ है पहाड़ में कभी, ये भी दिलचस्प है। और इस क्षेत्र के शिव तो
पूरे हिमालय के आराध्य हैं। हाँ। जो कैलापीर हैं वो कठुड़ के आराध्य देव हैं। यहाँ कठुड़ तीन है, ये थाती कठुड़, इसके बगल में होता है नैल्ड कठुड़, और फिर हो जाए उत्तरकाशी का गाजना कठुड़। नैल्ड और गाजना उत्तरकाशी में, थाती कठुड़ टिहरी में। तो ये जो ये हिमालय बुग्याल से नीचे और इसके जो हिमालय की जो बीच वाली ये बेल्ट है जो उत्तरकाशी तक जाती है, इसके आराध्य देव कैलापीर है। अच्छा। तो उस पर तो पूरी स्टोरी आपकी अलग बनती है, पर ये बहुत नज़दीक है यहाँ पर कैलापीर का मंदिर। तो यहाँ के जो प्रमुख तीर्थ या मंदिर या वो परंपराओं से भी जुड़े हुए हैं बूढ़ा केदार और कैलापीर। तो ये बूढ़ा केदार गांव है। कुछ विजुअल्स के थ्रू आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि गांव कैसा दिखता है। और जाते जाते हल्का सा जिक्र ये भी कर लेते हैं निकी जी, ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड की जो हिस्ट्री रही है, खास करके पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसमें कई अहम किरदार जो हैं वो यहाँ से हुए। हाँ, और कई सारे जन आंदोलन भी हुए हैं। तो एक हल्का सा बस उसका ब्रीफ करते हुए कि ये किन किन लोगों की ये भूमि है, किन लोगों की ये धरती है, उनको अगर हम गिने तो कौन कौन से नाम हमारे देखो जहन में आते हैं। उसमें कुछ इतिहास के नायक भी हैं जिनमें एक का नाम लक्ष्मण कठे था, जो रियासत काल में अपनी जनता के लिए जिन्होंने विद्रोह पर उतारू हो गए थे राजा के खिलाफ, एक बड़ा नाम। उसके बाद के वर्षों में यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा जी, देखिए वो उनका घर टिहरी के नज़दीक था राष्ट्रीय राजमार्ग पे, और जब उन्होंने ये व्रत लिया कि समाज में कुछ काम करना है 1956 में, तो वहाँ घर छोड़ के वो इस घाटी में आए थे, यही नज़दीक जो सिल्यार आश्रम है। हाँ, जिस तरफ हम अभी जाएंगे तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का और बिमला उत्तराखंड बहुगुणा जी का, और ऐसे जाति उन्मूलन के लिए भी फिर हाँ यहाँ पर वो भी बड़े संघर्ष हुए हैं। इसी शायद वो प्रसंग छोटा या आया बूढ़ा केदार मंदिर में भी दलित प्रवेश के लिए बड़ा आंदोलन हुआ स्थानीय समुदाय से, और अब लगभग उसको जीत लिया लोगों ने उस समय। उसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी, धर्मानंद नौटियाल जी और भी उसमें लोग रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं। धर्मानंद नौटियाल जी एक नाम और आता है, बहादुर सिंह राणा जी, और ऐसे बहुत से नाम हैं इस घाटी के कि जो संघर्ष की परंपरा उसमें लोगों ने क्या है जन आंदोलन में बहुत भागीदारी रही। तो ये कुछ वो नाम हैं। अभी फ्रेम में आपको हमारे राइट साइड में जो नदी दिख रही है बहती हुई, ये यही बाल गंगा ये वाली हुई ना, ये धर्म गंगा हुई। अच्छा, ये धर्म गंगा हुई और बाल गंगा हमारे बाएं तरफ है, बाएं तरफ बाल गंगा है, ये धर्म गंगा है, और इसीलिए यहाँ इन दोनों नदियों का जो संगम होता है उसे धर्म प्रयाग उसे कहा जाता है। और हालांकि ऐसे बहुत सारे प्रयाग हैं, और जो हम पांच प्रयाग उत्तराखंड की गिनते हैं उसमें धर्म प्रयाग छूट जाता है, क्योंकि ऐसे छोटे प्रयाग और भी हैं। और बेहद खूबसूरत सा ये गांव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी टूरिस्ट यहाँ नहीं पहुँचा है तो इसलिए उतना कमर्शलाइज नहीं लगता। हालांकि नीचे मार्केट वाला जो एरिया है, सड़क अब पूरा लगभग मंदिर परिसर तक पहुंच गई है, तो बहुत इजीली एसेसिबल है। अगर आप लोगों को कभी बूढ़ा केदार आना हो तो आप टिहरी से, टिहरी में जो टिहरी डैम बना है वो डैम टॉप पार करते हुए फिर आप घनसाली की तरफ बढ़ते हैं, वहां से आगे चमियाला, और चमियाला से ये लगभग 18 किलोमीटर पर बूढ़ा केदार मंदिर है। यात्रा मार्ग से भी जुड़ गया है चार धाम से। अच्छा, आप उत्तरकाशी यहां से गंगोत्री के आप टिहरी जाएं, उत्तरकाशी से ये एक नया रूट है, क्या खाल बोलते हैं उसको, अयार का खाल से जी। और वहाँ से ये रूट है, और फिर यहाँ से आप नीचे फिर चमियाला होते हुए और फिर केदारनाथ की तरफ जा सकते हैं घनसाली होते हुए। एक वैकल्पिक रूट से भी जुड़ा हुआ है जो चार धाम का, गंगोत्री के बाद केदारनाथ आप इस रूट से भी जा सकते हैं जी। और इसको पांचवा धाम भी कहा जाता है। तो अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण से, अगर आप डिवोशनल टूरिज्म के लिए भी उत्तराखंड आते हैं तो आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप लोगों को ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और निकी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इन्फॉर्मेटिव इनपुट्स दिए। आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिएगा बारह मास।